नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एस आरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, एवं अयोध्या पर हमने पहले भी कई जानकारी आपको दी हैं जिन्हें की आपने सराहा है। इसी क्रम में आज हम आपको अयोध्या के नवीन बस स्टैंड की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे अयोध्या के नवीन अयोध्या धाम बस स्टैंड के निर्माण का संपूर्ण काल चक्र, जानेंगे अयोध्या धाम बस स्टैंड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, देखेंगे अयोध्या धाम बस स्टैंड कैसा बना हुआ है, अयोध्या धाम बस स्टैंड से कहां कहां से आने व जाने की मिलेगी सुविधा, अयोध्या धाम बस स्टैंड की विशेषताएँ क्या हैं, तथा जानेंगे अयोध्या धाम बस स्टैंड का क्या है विस्तार की नवीनतम योजना। तो मित्रों, अयोध्या के विकास के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अर्थात अयोध्या जी की पावन धरा पर वर्तमान समय में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण का विशेष कार्य हो रहा है, एवं यहां आने वाले सभी पर्यटकों व श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अयोध्या में नवीन बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, एवं इस नवीन बस स्टैंड का नाम है अयोध्या धाम बस स्टेशन। आइए अब अयोध्या धाम बस स्टैंड के निर्माण कार्य के काल चक्र को विस्तार से जानते हैं। बता दें कि अयोध्या जी के नवीन स्वर्ण काल का आरंभ वर्तमान सरकार के शपथ ग्रहण के समय ही हो गया था, एवं यदि बात इस बस स्टैंड की करें तो आपको बता दें कि इसकी योजना भी वर्ष 2017 में ही बन गई थी, तथा 11 मई वर्ष 2018 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाल दौरे के पहले ही दिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर जनकपुर अयोध्या बस सेवा का शुभारंभ किया था, तभी इसकी वैचारिक आधारशिला पड़ गई थी, क्योंकि रामायण सर्किट प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, एवं जनकपुर अयोध्या बस सेवा के शुभारंभ होने के समय अयोध्या में कोई बस स्टेशन नहीं था, और जो था उसका नाम फैजाबाद बस स्टेशन था, जो कि लगभग 7 किलोमीटर दूर है, तथा मई 2018 के नेपाल के जनकपुर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक बस सेवा आरंभ होने के पश्चात इस अयोध्या धाम बस स्टैंड का निर्माण कार्य 13 जून वर्ष 2018 से प्रारंभ हो गया था, एवं उस समय इसके निर्माण कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि थी 31 दिसंबर वर्ष 2019, तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के समय बस स्टैंड का निरीक्षण कर दीपोत्सव के पूर्व कार्य पूर्ण कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया था, अर्थात 2019 की दीपावली से पहले ही, तथा इसी बीच अक्टूबर 2019 में जिले के पुराने फैजाबाद बस स्टेशन का नाम अयोध्या डिपो कर दिया गया था, क्योंकि फैजाबाद के स्थान पर तब तक अयोध्या को जिला बनाया जा चुका था, तथा इसी बीच जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर 2019 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भी महत्वपूर्ण निर्णय आया, जिसके पश्चात अयोध्या के बस स्टैंड की मांग बढ़नी भी तय थी, परंतु तब तक इस बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, तथा निर्माण कार्य के लक्ष्य के पूर्ण होने की नई तिथि मार्च 2020 निर्धारित हुई थी, परंतु इसी बीच भारतवर्ष में चाइनीज वायरस का प्रवेश हुआ और उससे विकास कार्य भी प्रभावित हुआ, जिसके पश्चात दिसंबर 2020 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, एवं तब तक 91% बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया था, परंतु फिर भी भक्तों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि तब तक यह तय नहीं हो पाया था कि इस बस स्टेशन को किस प्रकार से संचालित किया जाए, परिवहन विभाग इसको संचालित करेगा या कोई प्राइवेट संस्था। इस उधेड़बुन में यह प्रोजेक्ट उलझा रहा। अंततः फरवरी 2021 में इस बस स्टेशन को पर्यटन विभाग को हैंडओवर कर दिया गया, एवं अयोध्या में बने नवनिर्मित बस स्टेशन को बीते 16 जून को ही आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि बिना किसी घोषणा के ही
परिवहन निगम ने इस नवनिर्मित स्टेशन अयोध्या धाम का अनौपचारिक आरंभ कर दिया है। हालांकि अभी बस स्टेशन का उद्घाटन नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ काम शेष हैं। वह काम पूरा होने के पश्चात अयोध्या धाम बस स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। अब आपको अयोध्या धाम बस स्टैंड की लोकेशन की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यह नवनिर्मित बस स्टैंड गोरखपुर लखनऊ हाईवे अर्थात NH 27 पर अयोध्या बाईपास के मांझी बरहटा नामक स्थान पर है, जो कि अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं इसका निर्माण वर्तमान में 4.5 एकड़ भूमि पर हुआ है। इसके पश्चात अब आपको इस बस स्टैंड की विशेषताओं की जानकारी के लिए बता दें कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा 14 करोड़ की लागत से बने इस बस अड्डे में एक साथ 41 बसें खड़ी हो सकेंगी, जिनमें से 31 प्लेटफॉर्मों से बसें चलेंगी तथा शेष 10 प्लेटफॉर्म बसों के पार्किंग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस है तथा इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए डॉर्मेटरी की व्यवस्था भी की गई है। आधुनिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, यात्रियों को रोकने के लिए AC यात्री हॉल भी है। यही नहीं, इस बस स्टैंड पर 13 दुकानें भी बनकर तैयार हैं, जिनका संचालन राज्य पर्यटन निगम करेगा एवं बस अड्डे की सुंदरता के लिए ग्रीनरी भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा अब तक लगभग 25 लाख के आवश्यक वस्तु जिनकी आवश्यकता बस स्टैंड के लिए पड़ेगी, जैसे कि फर्नीचर, आधुनिक मशीनें, कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य सामान आदि भी क्रय किए जा चुके हैं। यह तो हुई वर्तमान के नवीन अयोध्या धाम बस स्टैंड की जानकारी, जिसका संचालन बीते 16 जून को ही आरंभ हो चुका है। इसके पश्चात अब आपको हम अयोध्या धाम बस स्टैंड के विस्तारीकरण की जानकारी देते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना में सम्मिलित धर्मनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के नवनिर्मित बस अड्डे का विस्तार करेगी और इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करेगी एवं इस बस स्टेशन को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय मानक का बस स्टेशन बनाएगी, जिसके लिए परिवहन निगम को लगभग 9 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है तथा यह भूमि संस्कृति विभाग से ले लिया गया है। विस्तारीकरण के पश्चात इस अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम बस स्टेशन में 100 से अधिक बसों को खड़ा किया जा सकेगा तथा यहां से 340 बसें चलाने की कार्य योजना है तथा इसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे कि मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। बस स्टेशन के विस्तार के पश्चात जनपद अयोध्या में श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा के लिए बसों का संचालन सुगम और सुदृढ़ होगा। इससे परिवहन निगम को और अधिक राजस्व भी प्राप्त होगा एवं अयोध्या से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, श्रावस्ती एवं अन्य महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए जनता को बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली एवं बिहार अर्थात जुड़े हुए राज्यों से पारस्परिक समझौता है तथा परिवहन विभाग इन राज्यों से अयोध्या आने वाले पर्यटकों को साधन उपलब्ध कराएगी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल तक बसों का संचालन होगा। तथा यह भी बता दें कि राम मंदिर निर्माण आरंभ होने के साथ ही अयोध्या में भक्तों व पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ी है। मार्च में प्रतिदिन औसतन 50,000 भक्त अयोध्या पहुंच रहे थे, जो कि भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है। महत्वपूर्ण है कि अयोध्या धाम बस स्टेशन के आरंभ होने से पर्यटकों के अयोध्या आने का क्रम और बढ़ेगा तथा पर्यटकों को सुविधा भी मिलेगी। इसी के साथ अयोध्या का रोजगार बढ़ेगा और परिवहन विभाग की आय में भी बढ़ोतरी होगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई अयोध्या धाम बस स्टैंड की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।